हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सुपर बिस्किमिंग एक्समैन। तो आज हम लोग आपको बताने वाले हैं टॉप 4 माइनक्राफ्ट सीक्रेट्स दैट यू प्रोबेबली डोंट नो। ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, आपको इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। तो अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो नंबर 1 पे आता है सल्कर का सीक्रेट टेक्सचर जो उसके नीचे होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सल्कर मॉब और सल्कर बॉक्स के नीचे ये स्पाइरल तरह का एक टेक्सचर होता है जो कि बहुत अच्छा लगता है। और जब आप इन्हें खोलेंगे तो वहाँ भी आप ये टेक्सचर देख सकते हैं। तो जैसे अभी दिखाते हैं, ये देखिए ये रहा था वो टेक्सचर, फिर से खोलते हैं, ये देखिए अंदर में होता है वो टेक्सचर और इसमें भी होता है ये सल्कर में। तो कब खोलेगा ये? खोला ये देखिए वो तो, अरे ये टेलीपोर्ट कर गया। तो इधर देखते कब ये खोलता है। खोल ले देख सकते हैं अंदर में, अच्छा लग रहा है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सीक्रेट की तरफ। तो नंबर 2 पे आता है क्लेरिक विलेजर बैक सीक्रेट टेक्सचर। तो देख सकते हैं क्लेरिक विलेजर के पीछे उसके केप जैसे उस पे एक क्रीपर का टेक्सचर बना रहता है फेस, उसकी आईज भी बनी रहती हैं और उसका नीचे का फेस पूरा बना रहता है जो कि माइनक्राफ्ट का आइकॉनिक चीज है। हाँ, और ये तो कई लोगों को पता नहीं होगा, देख सकते हैं अंदर इतना अच्छा लग रहा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सीक्रेट की तरफ। तो नंबर 3 पे आता है फायर स्नोबॉल सीक्रेट। तो जब आप स्नोबॉल को फायर के अंदर से गुजारते हैं तो देख सकते हैं वो फायर स्नोबॉल बन जाता है, उस पर आग लग जाती है। ये देखिए ये बर्न इफेक्ट भी देता है दूसरे को, मॉब जिसके ऊपर पड़ता है ये। तो ये आराम से एक अच्छे हथियार की तरह काम आ सकता है, आप इसे आराम से अपने घर के चारों तरफ बना सकते हैं और घर की सुरक्षा भी कर सकते हैं। तो इतनी औसम मशीन पे तो एक लाइक तो बनता ही है, तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सीक्रेट की तरफ। तो नंबर 4 पे आता है अंडरमैन ग्रीन आई सीक्रेट। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि एंडरमैन बहुत समय से गेम में है, लेकिन जब ये पहली बार ऐड हुआ था तो इसके ग्रीन आइज थे जो कि उतने डरावने नहीं लगते थे और ये बहुत अच्छा लगता था। लेकिन इनको अब पर्पल आई वाले एंडरमैन से रिप्लेस कर दिया गया जो कि आज के गेम्स में हैं अभी तक, लेकिन ये भी अच्छे लगते थे, उतने बुरे भी नहीं थे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए बाय दोस्तों। बाय दोस्तों।